अबे भाई तुमने मेरा परफ्यूम पे लगाया? पप्पू मेरा परफ्यूम खत्म हो गया ना इसलिए। भाई तुम भी भाभी के साथ जा रहे हो क्या? नहीं तो है? इसका मतलब भाई आपका रिकॉर्ड बनते बनते रह गया। कैसा रिकॉर्ड पप्पू? भाई अगर तुम सिर्फ एक दिन और नहीं आते ना, तुम्हारा 3 हफ्ते का ना नहाने का रिकॉर्ड बन जाता। अबे चुप कर यार। नंदू तुम इतना सच धज के रेडी होके कहाँ जा रहे हो? वो तो चंदू तुम्हारे लिए, तुम जा रही हो ना तो बस इसलिए थोड़ा रेडी हो गया। नंदू तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हो? हाउ स्वीट। अच्छे जी। नहीं तो चंदू तुम गलत समझ रही हो। मतलब तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जा रहे हो? फिर इतना सच धज के कहाँ जा रहे हो? सच सच बोलो। सच सच यार जल्दी बोलो, क्या झोल है? क्या झोल है? लो बोल दिया भाभी। चुप करो यार तुम। अरे चंदू यार तुम पहले कंफर्म करो ना कि तुम क्या कहना चाहती हो। कभी कहती हो चुप रहो, कभी कहती हो बोलो, आखिर मैं बोलूं क्या? नंदू मैं देख रही हूँ कि मेरी मुंबई जाने की खबर सुनकर तुम बड़ा खुश हो रहे हो। नहीं नहीं चंदू तुम गलत समझ रही हो। अरे मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, मैं वाकई मुंबई जा रही हूँ यार। अरे चंदू मैं मुंबई जाने के बारे में नहीं, अपने बारे में गलत समझने की बात कर रहा हूँ। चंदू तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता चंदू, अब तो मैं तुम्हें जाते हुए देख भी नहीं सकता। क्या बात है? ये ड्रामा क्वीन आज इतना नाटक क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। तानिया तुमसे एक जरूरी बात करनी है, तुम अभी मेरे घर आ जाओ। घर पे? ओके। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए भाभी ने मेरी तान्या को बुलाया है। अब तो इनकी बातें सुननी ही पड़ेंगी। चंदू दीदी हाँ आपने मुझे बुलाया? हाँ मुझे ना तेरे से जरूरी बात करनी है, तो बाहर आ जा जल्दी। चंदू दीदी सब ठीक तो है? अरे नंदू तो पहले से बेवकूफ निकम्मा आलसी है और पप्पू पहले से पागल, मेरी जिंदगी कहाँ से ठीक होने वाली है? आपने मुझे ये बताने के लिए बुलाया? अरे नहीं यार मैंने तो तुम्हें मदद मांगने के लिए बुलाया। लगता है भाभी हाथ मांगने को मदद कह रही है। पर मुझे तो कोई मदद नहीं चाहिए। अरे हाँ मुझे ना वो हेयर ड्रायर चाहिए आपसे। अरे यार मैंने तुम्हें अपनी मदद करने के लिए बुलाया है। मेरी मदद? ये ना मुझे लग रहा है नंदू का ना कहीं चक्कर चल रहा है तानिया। चक्कर? यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा। अरे यार तानिया मेरे पति नंदू का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। ये नंदू ना पहले भी ऐसे कर चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू उस पे नजर रख और मेरे जाने के बाद मुझे सारी खबर दे, हैं? ओके दीदी अब आप देखना मैं कैसे उन पे नजर रखती हूँ और सारी खबरें आप तक पहुँचाती हूँ। मेरा नाम भी तान्या कौर है, एवी नहीं है। थैंक यू तान्या, बस एक बार नंदू की छिछोर पंती मेरी पकड़ में आ जाए फिर देखना नंदू और उसके भाई पप्पू को, दोनों को ना मैं धंतौला भेज दूंगी। अब मैं चलती हूँ। डोंट वरी दीदी आप जाओ, अब आप देखो ये पटियाला की चटनी ना कैसे इनकी चटनी बनाती है। अच्छा चलो मैं आपको छोड़ के आती हूँ बाहर। हाय मेरी पहने। अरे बाप रे इस बार तो लगता है मामला सीरियस हो गया है, ये भाई के चक्कर में भाभी मुझे भी धंतौला भेज देगी, फिर मुझे तान्या की जगह तन्हाई मिलेगी। नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, भाई को तो रोकना ही पड़ेगा। भाई ये सब क्या है? अभी ये डिओड्रेंट है पप्पू। भाई तुम क्या करने वाले हो?
मैं इसे लगाने वाला हूँ। अरे मेरा कहने का मतलब है तुम इसे लगा के क्या करने वाले हो? पप्पू मैं कहाँ जाऊंगा यार, मैं जॉगिंग जा रहा हूँ। बाबू बचाए, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ रे, सब समझ लेता हूँ मैं। अरे भाई भाभी के जाते ही तुम्हें सच धज के जॉगिंग करने की सूझी, कुछ तो गड़बड़ है भाई, कहाँ जा रहे हो सच सच बताओ। अब मैं तुझे क्यों बताऊँ, तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? अब चुप, मुझे पता है तुम रंभा से मिलने जा रहे हो। रंभा? कौन रंभा, कैसी रंभा? भाई वही रंभा जिसके सहारे का तुम बन गए हो खंभा। पप्पू तू हद से आगे बढ़ रहा है। भाई मैं कहीं नहीं बढ़ा, वहीं का वहीं खड़ा हूँ। हट जा पप्पू, मुझे जाना है। अरे भाई तुम नहीं जा सकते भाई, वरना भाभी हम दोनों को धंधौला भेज देंगी। धंधौला? क्या मतलब? अगर भाभी को पता चल गया कि तुम्हारा उस रंभा से चक्कर चल रहा है ना, तो भाभी हम दोनों को धंधौला शिफ्ट कर देंगी। क्या मतलब? भाई भाभी ने ना तानिया को तुम्हारे पीछे लगाया है। लेकिन मेरे पीछे तो तानिया नहीं है पप्पू। अरे भाई मेरा कहने का मतलब है तानिया तुम्हारी जासूसी कर रही है। समझ गया मैं, तू मुझसे जलता है ना, इसलिए सारी कहानियां बना रहा है। अबे मैं तुमसे क्यों जलूंगा? हाँ तुम मुझसे जलते हो, क्योंकि मेरे पास माल है और तेरा बुरा हाल है। क्या? मैं जा रहा हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता, समझे? भाई रुक जाओ भाई। अब क्या करूं यार, अब अगर दिल्ली में रहना है और भाभी की कमाई खानी है तो इस आदमी पर तो नजर रखनी ही पड़ेगी। लाया यारी ये तेरा रंभा, बना है खंभा मेरा, जिसके सहारे मैंने पालिए जीवन में और क्या हाँ चाहिए। संदू दीदी सही कह रही थी, ये बंदा तो सिंगल पीस आइटम है। अरे जा के तेरा है वो तो मैंने पता करना ही पड़ेगा। तान्या कौर नाम है मेरा, ऐ भी नहीं है। अबे यार ये मंदबुद्धि कहाँ डोल लिया अब, इसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो भाभी इसके चक्कर में मुझे भी धंतोला भेज देगी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां।